So, Assalamualaikum. This is Aisha Saini from Lahore, Pakistan. So, this is the spoolie. Everyone knows ये बाकी सबके पास भी होनी चाहिए. How to make your eyebrows? अब हम सीधा जो है face को जो है हमने सिर्फ moisturize किया. अभी हमने primer नहीं लगाया. Primer हम middle में लगाएंगे. ठीक है, हमें एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए. अगर आपको पता है कि जी 20 मिनट्स में आपने अपना मेकअप कंप्लीट करना है ना, तो हम 10 मिनट्स पहले प्राइमर लगाएंगे, 20 मिनट्स पहले नहीं लगाएंगे. प्राइमर का एक टाइम होता है ना, प्राइमर फौरन लगाते हैं और ना प्राइमर जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत पहले लगाते हैं. प्राइमर तकरीबन अपने फेस की बेस से 15 मिनट पहले लगाते हैं. सो ये आप लोग देख लें, मैंने अपनी ये स्पूली ली है और मैंने स्पूली से बल्कि मैं एक और प्रोडक्ट लेकर आऊँगी वो प्रोफेशनल्स के लिए. ये मैंने सिर्फ सिंपल अपने जो लोग यहाँ से आईब्रोज को कट करवाते हैं वो कट कराना छोड़ दें, फिर यहाँ से कटिंग कराते हैं. तो इट्स आउट. सो आप जो है स्पूली के साथ अपना इसको वो कर लें और अब मैं आपको सिखाऊंगी. अच्छा, मेरे पास एक ब्राउन ब्राउ जेल है. अच्छा, जो ब्राउन कलर की ब्राउ जेल होगी ना वो ऑरेंजिश वार्म टोन में नहीं होगी. ये आपको बाद में आपकी क्लासेस में प्रोफेशनल्स में पता चलेगा कि वार्म टोन्स और कूल टोन्स क्या होती है. बिगनर्स के लिए ये नहीं है कोर्स ना, ये प्रोफेशनल में आपको पता चलेगा व्हाट इज़ वार्म एंड कूल टोन. सो दिस इज़ अ कूल टोन ब्राउ जेल. ठीक है, हम ऑरेंजिश कलर की अंदर ब्राउ जेल नहीं यूज़ करेंगे. ये हम थोड़ी डार्क में, और हम अगर हमें थोड़ा ब्लैक मिक्स करना होगा तो करेंगे, अगर नहीं करना होगा तो इट्स ऑल राइट. ठीक है, हमें ब्राउ जेल चाहिए है और ब्राउ जेल के साथ हमें, जिन लोगों के पास ये वाला पैलेट है, हमें एंगल्ड ब्रश चाहिए. ये है, ये वाला इस तरह का एंगल ब्रश चाहिए. ठीक है, इस तरह का, इस तरह का हार्ड ब्रश. एंड इट्स सपोज टू बी अ वेरी हार्ड, और अगर वो इससे छोटा भी हो तो चलेगा और अगर वो इतना भी हो तो चलेगा, बट इट्स सपोज टू बी अ वेरी हार्ड. एंड क्योंकि मैं तो आईब्रोज किसी से भी बना लूँगी, मगर आप लोगों के लिए ये बेहतरीन है कि आप लोग इस तरह का एक एंगल ब्रश लें. इसको आपने क्या कहना है, इट्स एन एंगल ब्रश. आपने इससे अपने आईब्रोज बनाने, बिकॉज हमारा जितना भी जो हमारा ये मेकअप की टेक्निक है, इट डिपेंड ऑन आर प्रेशर ऑफ आर ब्रश. ठीक है, जितना अच्छा और जितना सटल हमारा प्रेशर होगा उतना अच्छा हम मेकअप को लर्न कर सकते हैं. अच्छा, आज आप अपने फेस पे मेकअप सीखेंगे और आप इतना डिफरेंस फील करेंगे कि हम अपने फेस पे कैसे मेकअप सीख सकते हैं. ठीक है, लोग क्या करते हैं, पूरी आईब्रोज को काली बना देते हैं, पूरी आईब्रोज को. आज हम ओम्ब्रे आईब्रोज सीखेंगे. आज ज़रूरी नहीं कि आज ही आपको आ जाए, बट मैं आपको आसान तरीका सिखाऊंगी कि आपको आईब्रोज बनानी आ जाए. अगर उससे भी आपको नहीं आएंगे तो हम लोग आपको दो दिन प्रैक्टिस के दे रहे हैं, प्रोफेशनल्स को भी और बिगनर्स को भी, बिकॉज आज वाली क्लास इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. जब तक आप, हाँ सॉरी, जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते. सो मैं इसको इसमें डिप कर रही हूँ. अच्छा, आपके पास ब्राउज के दो कलर्स होने चाहिए, एक डार्क होना चाहिए और एक थोड़ा सा लाइट होना चाहिए. तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह. आपस में बातें नहीं करें, कुछ भी पूछना है मेरे से पूछना. खोल लें. अच्छा जी, अब सबसे इजी तरीका आप देखिए, मैं ब्राउज किस तरह से बना रही हूँ. सी, आपका जो ये एंड वाला बिल्कुल यहाँ पे पार्ट है, आपको नजर आ रहा है जहाँ पे आपका आखिरी बाल है, आपने पहले मुझे देखना है, जल्दी नहीं डालनी, देख लेना है, पहले देख ले, लिखना बाद में. यहाँ पे मैंने एक छोटी सी, पूरी लाइन नहीं मैंने की, ठीक है, मैंने एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ पे, और मैं यहाँ अंदर करके गई हूँ और मैंने यूं किया. आप लोग भी कर लें, ऊपर नहीं, सिर्फ नीचे. अभी तो मैं ऊपर गई नहीं, ऊपर नहीं, नहीं 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 नहीं, यहाँ नीचे, ये देखिए, ये आईब्रोज बता दी, ये देखिए, ऊपर तो मैं गई नहीं, सिर्फ नीचे. आपका कलर बहुत ज्यादा डार्क है. हाँ, बट इट्स ऑल राइट, हम मिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. एक लाइन लगा ली आप लोगों ने, आगे से थोड़ी सी ना यहाँ पे जैसे तिक्खी सी लाइन होनी चाहिए यहाँ पे. ये देखिए, हमारे पास एंगल ब्रश है इसलिए कि हमारी ये जो ये वाली लाइन है ना, ये जरा ऐसे ऐसे, ये देखिए इस ब्रश ऐसे होनी चाहिए.
ओके, जो उसका बड़ा हिस्सा है वो इस तरफ। आप फिक्र ना करें, मैं आपको दूसरी साइड करने का मौका दूंगी। अभी आप एक साइड पी रहे हैं, अभी आपने अपने फेस का दूसरा हिस्सा नहीं करना, अभी सुकून से रहें। आपने अपने फेस की कौन सी साइड करनी है? हाफ साइड, पूरी साइड नहीं करनी। पूरी साइड, पूरा फेस सिर्फ मैं कर रही हूँ, आप लोग आधा कर रहे हैं, आधा आप लोगों ने बाद में करना है। आप लोगों को सिर्फ मैंने अभी तक एक लाइन सिखाई है। सो द रियल क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप कवर कर लेंगे, बहुत बहुत मज़े की चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब भी हम अपनी कोई पिक्चर्स ले रहे होते हैं, कोई चीज़ कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी आईब्रोज नज़र आ रही होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारी आईब्रोज होती हैं। हमारी जब आईब्रोज प्रॉपर बनी हुई होती है ना, तो फिर हमारी लुक बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, सो दिस इज़ वेन यू जस्ट डू लाइक दैट, यू जस्ट लिफ्टिंग योर आईज, या आपने अपनी आईज को लिफ्ट कर लिया। ब्रश का जो बाकी आपका और प्रोडक्ट नहीं लेना, उसी एक्सेस को ऊपर की तरफ ऐसे करें, हल्का हल्का, जोर जोर नहीं लगाना, बस हल्का हल्का ऐसे करें। ओके, हाथ से कुछ नहीं करना। आपने क्या किया है? आपने ऊपर, मैंने लगवाया ही। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस आपने उसी ब्रश का जो है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, आशा जी का ब्रश देखो। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ओके। अच्छा, ये आपने फिर पिक किया, अब आपने प्रोडक्ट पिक किया, अब आप मेरी तरफ देखिए। ऊपर ऊपर बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पे आपने उसके उसको उसी कलर को लगाना है, बस यूं। अब आप देखें, लाइंस भी नहीं लगानी, बस जो प्रोडक्ट उस पर बचा हुआ है ना, उसको बस ऐसे ऐसे करके ऊपर। अच्छा, अभी आप छोड़ दें, कुछ भी ना करें, छोड़ दें। सेकेंड स्टेप, ओके, एक लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? देखिए जरा, आशा जी को देखें प्लीज। ये नजर आ रही है? That's it. बना ले, बाकी मैं अभी सिखाती हूँ कैसे करना है। आप सबको अपनी आर्च का पता है? इतना तो सबको पता है आर्च किधर है आपकी। ये आपकी आर्च है, उसके साथ एक इतनी छोटी सी मिन्नू सी लाइन ड्रॉ कर लें और उसको इसके साथ मिला लें। कोई चीज मुश्किल इस वक्त तक नहीं। अपने बालों के अंदर नहीं घुसना, थोड़ा सा ऊपर करके ड्रॉ करना है। हाँ, टिप ये देखें, ये मैंने किया, ये देखें, ये देखें, ये मेरा टिप यूं घुमा और मेरा टिप ये गया, ये देखें, दैट्स अ वेरी सटल मोशन। मेरी टिप घूमी और यहाँ पे आ गई। आपने एक साइड करनी है, दूसरी साइड नहीं करनी। सब लोगों ने अपनी बिफोर की पिक्चर्स ली हुई हैं, सब लोगों ने अपनी बिफोर की पिक्चर्स ली हुई हैं। ले 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 ले, जल्दी 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 निकालें निकालें, कैमरा सेल्फियां लें, सेल्फियां जल्दी सबकी, खुद लें अपनी। आप लोगों को याद हो आप लोगों ने अपना मेकअप सीखने से पहले कैसे दिखते थे? पहले हम ऐसे लगा करते थे, आज की क्लास बाद हम डिफरेंट लगा करेंगे इंशाल्लाह। एकदम से चेंज आता है ना, आप देखिए राइट और लेफ्ट को देखिए ना। मेरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टिप्स, टेक्निक्स और आपका जो है आपकी प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना ज्यादा आप लोग अच्छा काम करेंगे। क्लासेस ज्यादा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निक सीखने से फर्क पड़ता है। अच्छा, अब देखिए हर बंदे की आईब्रोज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। किस किस को अभी तक अपनी आईब्रोज ठीक लग रही हैं? किस किस को अपनी आईब्रोज मजे की लग रही हैं? किसी को भी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, बेटर लग रही है ना, अभी देखते हैं। अच्छा, अब जी मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्रोडक्ट और उठाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपनी फिलिंग स्टार्ट कर दी। और मैंने फिलिंग में ना उसको थोपना नहीं है, मैं एक जैसे ऐसे करके जस्ट उसी कलर को हल्का हल्का सा ब्लेंडिंग 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 में जा रही हूँ। ये देखें, मैंने उसको यूं करके सारा कलर नहीं मैंने डाला, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके जैसे लगा रही हूँ। ये मेरी लाइन थी ना, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अपनी स्किन के, अपने बालों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, ये देखें ये मैंने किया,
पूरी पूरी लाइन नहीं खींचनी। आजकल आप लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत बड़ी लाइंस बना लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी। आपने आर्च नहीं बनाया, ऊपर से बनाया, थोड़ा सा और बनाया आर्च। हाँ परफेक्ट आर्च दिखाएं, जबरदस्त लग रहा है, परफेक्ट। आप दिखाएं, हाँ ठीक है, जबरदस्त। यहाँ से मैं आपको बाद में क्लीन किया। अच्छा, जिनका आर्च खराब हो गया ना, कोई वो परेशान ना हो, जिनका आर्च खराब हो गया वो परेशान ना हो। पहला ब्रश हमारा है जी एंगल्ड ब्रश फॉर ब्राउज, एंगल ब्रश फॉर ब्राउज। हाँ जी, कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ तक एक एक बस, आपने एक ब्रो बनानी है, राइट, एक ब्रो बनानी है, गुड। हूं तक समझ आ गई, राइट, गुड। जो प्रोफेशनल्स है वो ये ना सोचे कि हम इतने टीनी टाइनी स्टेप्स क्यों सीख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। आपको अगर अपने फेस पे मेकअप करना आएगा ना, तो फिर आप दूसरों के ऊपर करेंगी तो ज्यादा इंजॉय करेंगे, ठीक है। ये नहीं होता कि ये हम टाइम वेस्ट करें, दीज आर द बेसिक टेक्निक्स। क्योंकि आप लोग जब मेरे साथ चलेंगे और आपको बेसिक टेक्निक्स नहीं आएंगी, तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। बस आप फ्रंट से थोड़ा सा इसको उठा लें, अगर किसी ने पर्सनली पूछना है कि मेरे ब्राउज ठीक है, हाँ बस ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, और जिसको लग रहा है ना यहाँ से कुछ वो है, दूसरा नहीं बनाना, अभी दूसरा नहीं बनाना, हाँ और आप स्पूली, ये देखें स्पूली को, ये मैं आपको कैजुअल आईब्रोज के लिए, डार्क आईब्रोज के लिए यही तरीका है। बाद में अगर आपने, बाद में जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको मैं सिखा दूंगी एक और टाइप के आईब्रोज के किस तरह से बनाना है, बट बेसिकली दिस इज द वे होंगी। मैंने अभी ऑरेंज करेक्टर किया, मुझे ऑरेंज करेक्टर दिया है तो पगली नहीं मिला आपको। ऑरेंज करेक्टर इज अ करेक्टर जिससे आप अपने डार्क सर्कल्स स्कार्स को कवर करेंगे, और पर्ली जो है वो तो आपकी जिंदगी के हर मौके पे काम आने वाला है, और बहुत ज्यादा चलता है आपका। अभी और ठीक हो जाएगा, आप जो अपने पहले ब्राउज करती हैं उससे आपको डिफरेंट फील हो रहा है ना। सिल्क ड्रॉप्स हैं किसी सबके पास? अच्छा, मेरी एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे जो कल से मुझे नजर नहीं आएगा, टेबल हो जाएगा, कि मैं अपनी जो चीज खोलती हूँ उसको वैसे ही बंद करके वापस रख देती हूँ। सो दिस इज एन आर्ट ऑफ योर मेकअप, यू नो व्हेन यू आर डूइंग मेकअप। शाजिया इधर इधर सब इधर। मेकअप का एक आर्ट होता है, जैसे कि किसी भी चीज का, पेंटिंग का कुछ आर्ट होता है, इसी तरह मेकअप इज एन आर्ट, ठीक है। इसको बड़े मजे से इंजॉय करके बड़े तरीके से करते हैं, जो चीज़ आप खोलें उसको उसी तरीके से बंद करके वापस रख दें, कचोला नहीं मचाना पूरी जगह के ऊपर, ठीक है, कि जी फेंक रहे हैं चीज़ें और चीज़ें इधर गिर रही हैं। रिलैक्स, आराम से चीज़ उठाएं, आराम से वापस। मेरा मेकअप रूम इतना बड़ा है, बट ये लोग कल आए हुए थे, इनसे पूछे, हर चीज़ अपनी जगह पे वैसे ही पड़ी हुई, ऐसे ही है, हर चीज़ उसी जगह पे है जहाँ पे पड़ी हुई है। इवन मैं इनको पता क्या कह रही थी, फलानी जगह पे यूं जाओ, यूं टर्न हो और वो चीज़ वहाँ पड़ी होगी, और एग्जैक्टली वहीं पे पड़ी थी, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को रखना उठाने का तरीका है। ये आधे ब्रशेज मैंने कल खुद धोए हैं, ठीक है, ये आपने ये ब्रशेज के अमाउंट देख लें, और मैंने इन ब्रशेज पे PhD की हुई है, ये मैंने हाफ ऑफ द ब्रशेज मैंने खुद वॉश किए हैं, फिर मैंने अपनी वो जो नई मेड थी उसको सिखाए, तो फिर उसने बाकी किए कि बाजी आप इतनी देर कैसे खड़ी होंगी। मैं ऑब्वियसली आपके कोर्स का पार्ट है, आपने तो सीखना ही है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने एक ड्रॉप सिल्क ड्रॉप का पर्ली के ऊपर डाला, और मैंने ये वाला ब्रश उठाया, ये देख लें आप लोग, पर्ली इज इन जी, ये मालीज ब्यूटी, मेरा अपने ब्रांड की कॉस्मेटिक्स हैं पर्ली, नहीं पर्ली इस कॉस्मेटिक का, इस कंसीलर का नाम ले लें, या ये आप इट्स अ लिड प्राइमर, इट्स नॉट अ कंसीलर, इट्स अ लिड प्राइमर। बेसिकली इस टाइम पे आप इसको एज अ लिड प्राइमर यूज कर रहे हैं, बाद में आप इसको और भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है।